नमस्कार, मैं इंद्रपाल पासी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2022 के चुनाव का विभिन्न बच चुका है। सारी राजनीतिक पार्टियां अपने जोरों तोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, चाहे तो वो भाजपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सारी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, या कोई अन्य पार्टी हो। आज बीजेपी कार्यालय बुद्धि विहार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री अमल कुमार मौजूद रहे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया और 2022 के चुनाव को लेकर आगे की रणनीतियों पर काम करा। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुरादाबाद महानगर की आज कार्य समिति संपन्न होने जा रही है। इस कार्य समिति में जो युवा मोर्चा के सेवा ही संगठन 17 सितंबर से माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 तारीख से एक अभियान 7 अक्टूबर तक चलाने का काम युवा मोर्चा ने किया, उसमें रक्तदान शिविर, नवभारत मेला, ऐसा करके विभिन्न कार्यक्रम सेवा ही समर्पण के अंतर्गत चलाए गए। उसकी जिले में जैसे वे कार्यक्रम चलाए गए उसकी समीक्षा को लेकर इस कार्य समिति में हम विषय रखेंगे। 1 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रोफेशनल यूथ को लेकर युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के सभी 14 बड़े महानगरों में प्रोफेशनल यूथ के साथ कार्यक्रम करने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए युवा मोर्चा संकल्पबद्ध है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा प्रांशुदत्त द्विवेदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया गया है, माननीय प्रांशुदत्त द्विवेदी जी ने संकल्प लिया है कि 350 पार सीटें जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए युवा विस्तारकों की तरह युवा मोर्चा काम करने का काम करेगा। इतना ही विषय। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुरादाबाद महानगर द्वारा जिला कार्य समिति बैठक का आयोजन हुआ। भाजपा कार्यालय पर जिला कार्य समिति का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश भाजयुमो अमल कुमार खटिक उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता भाजयुमो महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे ने की तथा संचालन महानगर महामंत्री अभिषेक राठौर ने किया। बैठक में भाजयुमो द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण कार्यालय के अंतर्गत चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से चर्चा की। प्रदेश मंत्री अमर ने कहा कि भाजयुमो आगामी कार्यक्रमों में वन बूथ 20 यूथ का अभियान चलाएंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बूथ पर 20 युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा तथा युवा सम्मेलन, युवा संवाद कार्यक्रम एवं मंडल कार्य समिति आदि कार्यक्रम करे जाएंगे। बैठक में भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाजयुमो राजू कालका एवं तमाम सदस्य उपस्थित रहे। जुड़े रहिए टीवी न्यूज पर मेरे साथ, कल फिर मिलेंगे कल नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।